अरे सुने ना, नाश्ता तो ठीक से करती जा, और सुन कॉलेज से जल्दी आ जाना, बहुत सा काम पड़ा है। डोंट वरी मामा, मैं आ जाऊंगी। अब वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आजकल के ज़माने में जब सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है तो आप इन सब झंझटों में क्यों पड़ी हो? और वैसे भी भैया कनाडा से भूखे थोड़ी आ रहे हैं। चुप, भगवान न करे मेरा बच्चा कभी भूखा रहे, लेकिन हाँ 6 साल से मेरा बच्चा भूखा ही तो है। माँ के हाथ का बना खाना भी नहीं खाया उसने। और देख, तेरे पापा भी तो उसकी पसंद की सारी चीजें इकट्ठी करने में लगे हैं। पापा भी ना, जब भैया यहाँ थे तो बात बात पे डांटते थे। ओहो, बाप की डांट भी भला कोई डांट होती है? अरे वो तो मिट्टी को मूरत देने के लिए कुम्हार के थपेड़े होते हैं, और उन्हीं थपेड़ों से तुम्हारे जैसी प्यारी सूरतें बनती हैं। थैंक यू मामा। अच्छा मैं चलती हूँ। मम्मी, मेरे स्कूटर की चाबी कहाँ है? उसे लेकर तेरे पापा मंडी गए हैं। ओह नो, आई एम गेटिंग लेट, मेरी इम्पोर्टेंट क्लास थी। पापा को जाना ही था तो पैदल चल जाते, स्कूटर ले जाने की क्या जरूरत थी? ओफो, आते ही होंगे, तब तक तुम मेरे साथ किचन में हाथ बटा दो। ओह नो मामा, लगता पापा आ गए, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे सुन बेटी, आ गए आप खाली हाथ? आप तो मंडी गए थे ना, आलू गाजर कहाँ है? आलू गाजर वो तो सुना है ना, आपने साथ कॉलेज लेके चली गई। क्या कॉलेज ले गई? ये लड़की भी तूफान मेल है, ना ठीक से नाश्ता करती है ना खाना खाती है, और अब आलू गाजर लेके। किसके ख्यालों में डूबी है? माई भी है क्या? मैं तो माई के ख्याल में खोई हुई हूँ, पर तू किस ख्याल में जो सब्जियां लेकर कॉलेज आ गई? ओह माय गॉड, ये पापा जी भी ना, अब क्या कॉलेज में आलू की सब्जी और गाजर का सूप बनाएगी? चल चल जल्दी बैठ। चल अब इन सब्जियों को प्रिंसिपल को डोनेट कर देना। चल चल बैठ।